हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आई डी एफ जर्नी पर। आज मैं आपके साथ ही फिर से एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की जो सीरीज़ है उसका एक ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो मेरा दूसरा चैनल है जो कि जहाँ पर मैं ट्विंस बेबी से रिलेटेड जो है वीडियोज़ डालती हूँ, वो उसको भी ज़रूर जो है आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो इस पर रहने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसका क्या रीज़न होता है, क्या वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है और वो क्या होना ज़रूरी होता है, तो वो आपके सबके साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। देखिए, जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जो ब्लीडिंग होती है, जो 14 डेज होते हैं, उसमें ब्लीडिंग होने का कारण, देखिए इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग अगर मैं बोलूँ तो बहुत से डॉक्टर जो है ये डॉक्टर्स बताते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि जो हमें मंथली पीरियड्स होते हैं, मंथली पीरियड्स होने के बाद जो हमारे जो आसपास, क्योंकि कई बार हमारे को ठीक से ब्लीडिंग नहीं होती तो हमारे आसपास की जो वॉल होती है उस वॉल पे जाके एम्ब्रियो चिपकता है, तो जो वॉल होती है उस पे जो हमारा जो ब्लड होता है वो कई बार ऐसा होता है कि ब्लड बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, तो वो ब्लड जो है वो आसपास की वॉल्स पे जो चिपका हुआ होता है वो जो है ब्लड जो है बाहर निकलता है, चाहे वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद होता है वो भी वही वाला जैसे ब्राउन डिस्चार्ज होता है वो उसी को बोलते हैं, क्योंकि वो पुरानी ब्लीडिंग होती है। तो यही कारण रहता है ब्लीडिंग होने का। उसके बाद जो है आप जो कहते हैं कि 14 डेज में ब्लीडिंग होती है, उसका जो मेन कारण मैं आपको अगर बोलूं तो मेन कारण होता है कि जो हम अपनी मेडिसिन्स लेना भूल जाते हैं, या मेडिसिन्स का टाइम जो है वो चेंज कर देते हैं, मेडिसिन का जो टाइम है वो ऊपर नीचे कर देते हैं। देखिए, जब IVF कराया जाता है तो IVF में क्या होता है कि हमारा जो हार्मोन्स लेवल्स होते हैं वो सारे जो फर्स्ट 3 मंथ हमारे IVF में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से लेकर हमारी जो फर्स्ट 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी से अगर मैं कहूँ तो थोड़ी डिफरेंट होती है। वैसे तो ये नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसी होती है, लेकिन 3 मंथ तक क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारी जो है इसमें इंजेक्शन्स मेडिसिन दी जाती हैं जो कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती, तो हमारी जो बॉडी है वो इंजेक्शंस और जो है मेडिसिंस के थ्रू जो है हार्मोन्स लेवल्स को बनाती है। तो हार्मोन्स लेवल्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, जो मेडिसिन जैसे हमें प्रोजेस्ट्रॉन दिया जाता है, प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है वो हमारे एम्ब्रियो के लिए, उसके चिपकने के लिए, उसके इम्प्लांटेशन के लिए, उसको ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये टाइम टू टाइम लेना और इसे मिस ना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जैसे अगर हम कोई भी मेडिसिन मिस कर देते हैं, नहीं लेते हैं, या उसका टाइम चेंज कर देते हैं, तो हमारा जैसे आज हमें पता है कि इतने से बजे से लेकर इतने बजे तक वो जो हमारा लेवल है वो इतना रहेगा, और फिर से हम इंजेक्शन ले लेंगे वो कम होने वाला होगा। लेकिन अगर हम उसको जो है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लेट लेंगे इंजेक्शन को, तो वो लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, तो वो लेवल कम होने की वजह से ही हमें कई बार ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये ब्लीडिंग होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो यही है कि अगर हम मेडिसिन मिस कर देते हैं, तो इसीलिए इस बात को नहीं भूलना है, आप अपने फ़ोन में रिमाइंडर लगा के रखिए कि हमें मुझे जो है, मैंने तो क्या किया हुआ था मैं आपको अपना बताऊं, तो मैंने एक छोटी सी डायरी लगाई हुई थी, उस डायरी में मैंने हर एक मेडिसिन का नेम मेंशन किया हुआ था, और कौन सी मेडिसिन मुझे किस टाइम खानी है वो मेंशन किया हुआ था, इंजेक्शन किस टाइम लेना है वो मेंशन किया हुआ था। मैं पूरी प्रेगनेंसी में, चाहे वो बच्चे की मूवमेंट को लेकर है, चाहे अपने बीपी को लेकर है, हर एक से रिलेटेड मैंने एक डायरी में लिखती थी। नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और इससे मेरी जो मेडिसिन थी वो मिस नहीं होती थी, और मैं अपने फ़ोन में भी रिमाइंडर लगा के रखती थी। तो इसीलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसी की वजह से ब्लीडिंग हो जाती है। दूसरा जो कारण रहता है वो स्ट्रेस लेवल रहता है, क्योंकि हम सोचते हैं इन 14 डेज में हम जितना हो सके रेस्ट करें तो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। कोई भी डॉक्टर बिना वजह से आपको बेड रेस्ट करने की सलाह नहीं देता है। कोई भी डॉक्टर जो है बेड रेस्ट करना, इसमें रेस्ट करना ज़रूरी है, लेकिन बिल्कुल प्रॉपर आप 24 घंटे सिर्फ टॉयलेट बाथरूम के लिए उठिए और फिर रेस्ट करते रहिए, इतना नहीं होता है। और सोना उठना बैठना कैसे है वो तो मैंने आपको बताया ही है। तो देखिए,
जैसे कि इन 14 डेज में अगर हम ज़्यादा रेस्ट करेंगे तो हमारा ध्यान सिर्फ इसी चीज़ पर रहता है कि हमारा बेटा सी जी पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा, या हमें पेन क्यों हो रहा है। हमारा सारा ध्यान अपनी बॉडी पे चला जाता है, हम छोटी छोटी मूवमेंट को नोट करना शुरू कर देते हैं कि हमारे लेग्स में पेन हो रहा है। आज मैंने बहुत से ऐसे मैसेजेस आते हैं जो बिल्कुल अजीबोगरीब ही लगा लीजिए कि मैम हमें ज़्यादा भूख लगने शुरू हो गई है। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, हमें भूख लगनी शुरू हो गई है इसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि हमारा इम्प्लांटेशन हो रहा है या नहीं, या हमारा एम्ब्रियो अंदर जो है वो ग्रो कर रहा है, इसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो हम इन छोटी छोटी बातों पे जिनका कोई मतलब नहीं होता उन पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं, जो हमारा जो है नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। इससे हमारे हार्मोन स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और हार्मोन्स लेवल डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं, जो हमारी ब्लीडिंग का कारण भी बन जाते हैं। तो ये सब कारण होते हैं ब्लीडिंग होने के। उसके बाद है केमिकल प्रेगनेंसी। केमिकल प्रेगनेंसी देखिए, एकदम आपको घबराना नहीं है कि आपको केमिकल प्रेगनेंसी है। ये प्रेगनेंसी जो है ब्लीडिंग डिपेंड करती है, वो मैं अलग से एक ब्लॉग डिटेल में शेयर करूँगी कि किस तरह की ब्लीडिंग आपको जो है चिंता करना चाहिए, किस ब्लीडिंग पर और किस ब्लीडिंग पर नहीं, वो किस तरह की होती है और कितनी होती है, तो वो आपको अलग से ब्लॉग शेयर करूँगी। तो ये सारे कारण रहते हैं। केमिकल प्रेगनेंसी वो वाली प्रेगनेंसी होती है कि जिस प्रेगनेंसी को आगे मतलब कि क्योंकि हमें मेडिसिन दी जाती हैं, मेडिसिन की वजह से कम हमारा बीटा एससीजी 100 से अबव आना चाहिए, उससे लो आता है, तो कई बार हमें केमिकल प्रेगनेंसी होती है क्योंकि मेडिसिन की वजह से भी हमारा बीटा एससीजी कई बार जो हमारे हार्मोन्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो बीटा एससीजी है वो इतना आ जाता है। तो इसीलिए केमिकल प्रेगनेंसी हो जाती है। केमिकल प्रेगनेंसी होती है कि जिसे बॉडी अपने आप जो है हमारे शरीर से थ्रो कर देती है, उसे वो ग्रो होने नहीं देती, तो वो केमिकल प्रेगनेंसी होती है। जो कि जैसे कि एम्ब्रियो अच्छे से नहीं बना है और एम्ब्रियोज के अंदर जो जिन्स होते हैं वो ठीक तरह से नहीं जो है बने हैं, या फिर आपने जो है कोई भी ऐसी जो है एग्स क्वालिटी अच्छी नहीं थी या एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो उस चीज़ों की वजह से केमिकल प्रेगनेंसी हो जाती है। तो ये सारे कारण रहते हैं जो कि ब्रीडिंग के होते हैं, सबसे मेन कारण होता है। इसीलिए अपना मेडिसिन जो है वो टाइम टू टाइम लीजिए, अपना रिमाइंडर लगा के रखिए, हो सके तो नोट कीजिए, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट डेज में करना क्या है, सिर्फ यही ध्यान रखना है। और काम जो है हल्का फुल्का अपना काम, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, किस तरह से उठना है बैठना है, वो सब मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ज़्यादा किसी भी चीज़ पे मत ध्यान दीजिए कि मुझे भूख लग रही है, मुझे पेन हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ से बेफिक्र रहिए कि आपको पेन हो रहा है किसी भी तरह का, लेग पेन हो रहा है, पीरियड हो रहे हैं, पीरियड जैसा पेन हो रहा है, आपकी जो है लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है, लेफ्ट साइड में चुभन जैसा महसूस हो रहा है, ये सारे एक्सपीरियंस जो है मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, ये बिल्कुल नॉर्मल है। इस चीज़ को आप बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए। और कोई भी मेडिसिन अगर आपको जुकाम बुखार ऐसा कुछ हो जाता है, डॉक्टर से पूछे बिना मत लीजिए, अपने गायनी से सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए और इन्फॉर्मेशन लेकर ही कोई मेडिसिन आपको लेनी है। तो ये सब कारण जो है, जितना आप अपनी इसमें पॉजिटिव रहेंगे उतना ही आपके जो है हार्मोन्स लेवल, आपकी मेडिसिन आपके ऊपर असर करेगी। तो इन चीज़ों का ध्यान देंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो यही आज जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी। तो ब्लीडिंग जो है ये कारण है ब्लीडिंग के जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आगे ब्लीडिंग क्या कितनी सही है कितनी नहीं सही है और किस तरह की होती है, वो सब भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।